दोस्तों अजंता का डिजिटल वॉल क्लॉक और आज हम इसके टाइम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही इसका रिव्यू दूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्या क्या डिस्प्ले करता है। सबसे पहले इसमें डेट आती है, उसके बाद मंथ, देन ईयर, देन टाइम है। टाइम को आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 12 आवर्स के अकॉर्डिंगली सेट करना चाहते हैं या 24 आवर्स के। अगर 24 आवर्स के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे तो ये एएम पीएम डिसेबल हो जाएगा, और अगर 12 आवर्स के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे तो एएम पीएम डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें टेम्परेचर, ये आपकी वॉल की एक्यूरेसी देता है और 5 मिनट का इंटरवल होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में आता है डे, ये आप देख सकते हैं। यहां पे जो डे होगा वहां पे रेड लाइट डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी, बाकी सभी डिसेबल होंगी। अजंता का लेटेस्ट मॉडल है DC017 और इसमें ऐड किया गया फ्यूज। जैसे ही लाइट कम ज्यादा हो तो सबसे पहले फ्यूज के ऊपर लोड पड़ता है, फ्यूज डैमेज होता है, तो आप फ्यूज इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। यहां से रिमूव करके एक एक्स्ट्रा फ्यूज दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें दिए गए हैं 2 AA बैटरी, जिसका काम होता है कि जब आपकी पावर चली गई है और डिस्प्ले बंद हो गया है तो आपका जो टाइम कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई चेंजेस ना आए, वो बिल्कुल लाइट आने के बाद एकदम सेट हो। अब बात करते हैं इसके टाइम कॉन्फ़िगरेशन से जुड़े बटन्स की। तो इसमें दिए हुए हैं 4 बटन, रीसेट बटन से फैक्ट्री रीसेट सेटिंग हो जाती है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ आउट बटन, सेट बटन एंड अप। सेट बटन को थोड़ी देर प्रेस करेंगे टाइम कॉन्फ़िगरेशन ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, और अप बटन से आपने टाइम सेट करना है। अगेन सेट बटन से मूव हो जाता है सेकंड पॉइंट पे, और अप बटन से उस पॉइंट को आपने सेट करना है, और जैसे ही सारी सेटिंग हो जाएगी आउट से बाहर आ जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप 2017 ब्लिंक हो रहा है। मैं इसको अप बटन से 2020 कर रहा हूं। अब दोबारा मैं सेट बटन प्रेस करूंगा और मंथ पे चला गया, मंथ को हम सेट कर देंगे। अप बटन को प्रेस किया, डेट पे चला गया। ऐसे ही अप बटन प्रेस किया, टाइम सेटिंग। ये आप देख सकते हैं ये एएम पीएम डिस्प्ले हो रहा है। ये भी आपने जब चेंज करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करना है। दोबारा सेट बटन प्रेस किया और आपने ये सारा कुछ सेट कर दिया। बाद में थर्ड बटन आउट बटन प्रेस करना और बाहर आ जाना है। अब देख सकते हैं आप, ये पूरा सेट हो गया हुआ है। डेट भी सेट हो गई है, सॉरी डे भी सेट हो गया, डेट, मंथ, ईयर सब कुछ सेट हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं, सारी सेटिंग होने के बाद आप अप बटन को प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं एएम पीएम डिसेबल हो गया। अभी ये 24 आवर की सेटिंग है, ये देखिए मैं अप बटन प्रेस किया, एएम पीएम ऑन हो गया, दोबारा डिसेबल हो गया। अब आपने चेक करना है तो सेट बटन को प्रेस करें और सेट बटन से आप टाइम में चले जाएं। टाइम में 12 के बाद आप देखें 13 शो हो रहा है। ये सारा सेट हो गया, जैसे आपने समझ लो ये सेट कर लिया, आउट किया, अब एएम पीएम डिसेबल हो गया हुआ। अगर ऑन करेंगे अप बटन को प्रेस करके, ये आपके सामने पीएम पे आ गया। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसकी बात करते हैं रिव्यू की। यहां पे दोस्तों आप इसे लगाएंगे, सबसे पहले देख लेना कि ये जो प्लग है वहां पे थोड़ा सा, जैसे कई बार आप देखते हैं कहीं पे प्लग लगाया हो कड़कड़ की आवाज आती है, यानी अंदर स्पार्किंग हो रही होती है, वो ना हो। स्पार्किंग होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके सर्किट के ऊपर लोड पड़ेगा और सर्किट डैमेज हो जाएगा। फिर यहां पे आपने लगाया बिल्कुल टाइट हो, टाइट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके बाद ही चलेगा। दूसरा, अगर आपके पावर का इश्यू है, यानी पावर कम ज्यादा हो रही है, तो या तो फ्यूज पे उस पर असर होता है, फ्यूज के बाद उसका सर्किट पे असर होता है। अगर आपके लोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहीं पे भी फ्यूज का कोई इश्यू नहीं है, और आपका जो पॉइंट है, पावर पॉइंट है, वहां पे भी आपके कोई इश्यू नहीं है, तो ये क्लॉक आपके लिए बेस्ट क्लॉक माना जाता है। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आपका टाइम लाइट आने के बाद चेंज हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, आप कुछ नहीं करना, आपने ये दोनों बैटरी चेंज कर देना। बैटरी चेंज करने के बाद आप टाइम सेटिंग जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे, और आप एक बार लाइट को ऑफ करके, यानी इस कनेक्शन को ऑफ करके ऑन करके देख लेना
आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रिजोल्व हो जाएगा। इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आती है फ्यूज की, सेकंड प्रॉब्लम आती है सर्किट की। तो जो सर्किट और फ्यूज का तभी प्रॉब्लम आता है जब पावर का इश्यू होता है, यानी कि लाइट कम ज्यादा होती है। उसके अलावा अगर आपके वहां पे बैक कहीं पे लेजर्ड वगैरह है तो वहां पे भी सर्किट का इश्यू आता है, क्योंकि लेजर्ड यहां से जो शेक है ये हवा निकालने के लिए, यानी गर्माइश निकालने के लिए होता है, तो यहां से वो इंटरनल चला जाता है और इसके ऊपर जाके वो डैमेज कर देता है। दूसरा, इसके टाइम का कभी कोई इश्यू नहीं आता और डेट का भी इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर आपकी लाइट, यानी कि ये आधे अक्षर डिस्प्ले हो रहे हैं या फिर कम लाइट, कोई पॉइंट लाइट डिस्प्ले हो रहा है, कोई डार्क डिस्प्ले हो रहा है, तो ये जो अंदर इसके अंदर किट होती है, उस किट में जो पॉइंट्स बने होते हैं उनके उनके ऊपर प्रॉब्लम होती है, उनमें प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आपको यहां से आपने ये बाय किया है, यानी कि नजदीकी अजंता के शोरूम पे जाके इसको रिपेयर करवाना होता है। इस केस में मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर किट ही चेंज करवाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आगे भी आपको दिक्कत आती रहेगी। अगर वारंटी में हो तो आप यही कहें कि आप इसकी किट चेंज कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली एक ही डिस्प्ले हो रहा है रेगुलर बेस पे, आपको लग रहा है कि मौसम चेंज भी हो गया फिर भी वही डिस्प्ले हो रहा है, तो आप रीसेट बटन को प्रेस करें थोड़ी देर और ये फैक्ट्री रीसेट सेटिंग हो जाएगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप चेक करेंगे आपका टेम्परेचर वर्क करना शुरू कर देगा। अगर किसी तरह की आपको कोई क्यूरी हो तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।